आज हम सीखेंगे टॉरस राशि के बारे में। हमारी सीरीज चल रही है बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, उसमें हमने पिछली क्लास में एरीज के बारे में पढ़ा था, आज हम टॉरस के बारे में पढ़ेंगे। टॉरस राशि क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले टॉरस राशि एक कॉन्स्टिलेशन है आसमान में जो किस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह का जो आसमान में स्टार्स का पैटर्न है जिसको हम टॉरस कहते हैं। अब ये कुंडली है, इसमें जहां पर भी नंबर 2 लिखा होगा, क्योंकि पहली राशि हमने क्या बोला एरीज है, दूसरी क्या है टॉरस। अब जहां पर भी 2 लिखा होगा वहां पर टॉरस हो, ये 2 यहाँ लिखा हो सकता है, ये 2 यहाँ लिखा हो सकता है, ये 2 यहाँ लिखा हो सकता है, यहाँ लिखा हो सकता है, कहीं पर भी 2 लिखा है इसका मतलब है वो टॉरस राशि है। वृषभ राशि, हिंदी में कहते हैं वृषभ राशि, उसका सिंबल होता है बुल, बैल। तो आपने कहा ये जो कॉन्स्टिलेशन है, अगर इसके आसपास में जैसे आजकल जुपिटर टॉरस में है तो हम कहेंगे जुपिटर इन टॉरस, जहां पर भी 2 लिखा होगा उसके अंदर जुपिटर लिखा होगा, अगर हम आज के दिन की कुंडली खोलते हैं। तो आपने कहा ये तो टॉरस राशि है इसका मतलब। अब टॉरस राशि होती क्या है, अब वो समझना चाहते हैं कि व्हाट इज टॉरस। आपने कहा टॉरस राशि नेचुरल जोडियाक में जो काल पुरुषी कुंडली है, काल पुरुषी कुंडली क्या होती है, जो कि भगवान शिव की या भगवान विष्णु की कुंडली, वो हमेशा एरीज से शुरू होती है, यहाँ पे टॉरस आता है। तो नेचुरल सेकेंड हाउस, टॉरस इज इक्वेलेंट टू सेकेंड हाउस, जो भी चीजें सेकेंड हाउस में होगी वो टॉरस में होगी। तो आपने कहा एरीज राशि क्या है, मेरी बॉडी है, पिछली क्लास में हम देख रहे थे, पिछले यूट्यूब वीडियो आज ही हम एरीज को हम बॉडी कह रहे थे, क्योंकि एरीज जो है वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन को करता है, माइंड को करता है। तो सेकेंड हाउस टू एनीबॉडी इज सस्टेनेंस, सेकेंड टू एनी हाउस इज सस्टेनेंस। सस्टेनेंस कह लो या कह लो प्लान एंड एक्शन। ठीक है, तो एरीज का प्लान एंड एक्शन क्या है, या एरीज के लिए सस्टेनेंस के लिए क्या जरूरी है, उसका सेकेंड, तो उसका सेकेंड क्या होता है टॉरस। मेरे पास अगर ये बॉडी है एरीज राशि मतलब बॉडी, तो उसके लिए सस्टेनेंस के लिए क्या चाहिए, मैं खाना चाहिए। तो टॉरस या सेकेंड हाउस सिग्निफाइज फूड, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है ना, रोटी कपड़ा मकान, वो तीनों ही चीजें टॉरस बताता है। तो टॉरस आपकी फैमिली है, हम पैदा हुए हमको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चाहिए, खाना खिलाने के लिए कोई चाहिए, तो फैमिली टॉरस, फूड टॉरस, वेल्थ टॉरस, पैसा चाहिए सामान खरीदने के लिए। तो ये टॉरस जो है वो सस्टेनेंस है, किसका सस्टेनेंस है, एरीज का। एरीज क्या होता है, बॉडी मतलब मेरा, इस शरीर का, मेरे से ज्यादा इस बॉडी का, इस बॉडी के सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए, सामान खरीदना पड़ेगा, खाना खरीदना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, खत्म हो जाएंगे वरना हम। फैमिली, आपने कहा जो बॉडी को सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है वो सब कुछ टॉरस। टॉरस 2, 6, 10 राशि में से एक, 2, 6, 10, 2 नंबर राशि, 6 नंबर राशि और 10 नंबर राशि, ये तीनों मिलकर के बनाती हैं अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण का मतलब होता है वेल्थ, वेल्थ का मतलब अक्यूमुलेशन। आपने कहा ये अक्यूमुलेशन को सिग्निफाई करती है, कि हमने क्या अक्यूमुलेट किया, क्या हमने पाया, क्या गैदर किया। इंसान गैदर करने के बारे में सोचता है, ये चीज मुझे मिल जाए, ये चीज मुझे मिल जाए, ये चीज मुझे मिल जाए, तो हमारा दिमाग हमेशा गैदरिंग में चलता है, कैसे हम चीजों को इकट्ठा कर ले अपने पास। तो टॉरस राशि इज ऑल अबाउट अक्यूमुलेशन, गैदरिंग, वेल्थ इकट्ठी कर लो, फैमिली इकट्ठी कर लो, लोग इकट्ठे करो, खाना स्टॉक में रखा होना चाहिए। टॉरस राशि इज ऑल अबाउट अक्यूमुलेशन। टॉरस में किसी का लग्न टॉरस में, टॉरस का हो, या लग्न लॉर्ड टॉरस में, जुपिटर टॉरस में हो, खास तौर पर जुपिटर हो, लग्न लॉर्ड हो, या लग्न उदय हो जाए टॉरस, असेंडेंट टॉरस में। आपने कहा ऐसे व्यक्ति जो है वेल्थ के अक्यूमुलेशन के बारे में बहुत सोचता है, कि कैसे मैं पैसा इकट्ठा कर लूँ, कैसे पैसा इकट्ठा कर लूँ, आज कितना खर्चा हुआ, कल कितना खर्चा हुआ, मनी माइंडेड हो जाएगा, देखने में अच्छा होगा। वीनस की राशि, इसका लॉर्ड कौन है, वीनस। तो आपने कहा टॉरस में जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब वीनस में भी होनी चाहिए, या वीनस की प्रॉपर्टीज ही टॉरस में चली जाती है और सेकेंड हाउस की चीजें भी जाती है। सेकेंड हाउस हमने कहा खाना है। टॉरस जो है, लाइन बाय लाइन देखते हैं, टॉरस आपका बॉडी पार्ट कौन सा, आपके फेस एरिया को सिग्निफाई करता है। एरीज क्या था, सर था, टॉरस क्या सिग्निफाई करता है, आपके फेस के एरिया को सिग्निफाई करता है। तो आपका जो फेस का एरिया है, गर्दन का एरिया है, नेक है, इसलिए वीनस जो है वो ज्वेलरी भी है, नेक में पहनते हैं ना ज्वेलरी, नाक में पहनते, कान में पहनते हैं। तो आपने कहा ये ज्वेलरी पहनने के ज्यादा एरिया यही है फेस और नेक, तो इसीलिए टॉरस इसको सिग्निफाई करता है, फेस को, स्पेशली नेक को। फेस जेस्टर्स भी, जैसे आप मुस्कुराएंगे, बात करेंगे, कोई भी जेस्टर्स जो आप एक्सप्रेशन देते हैं वो टॉरस। टॉरस आपकी राइट आई भी है, वैसे सन होता है एज ए प्लैनेट, सन से देखी जाती है राइट आई, पर एज ए राशि या एज ए हाउस, सेकेंड हाउस और टॉरस राशि जो है वो राइट आई को सिग्निफाई करते हैं। टॉरस राशि जो है ये एक फीमेल राशि, क्योंकि इसका फीमेल प्लैनेट लॉर्ड भी है वीनस की राशि, और ये एक फेमिनाइन साइन, ठीक है,
यहाँ पर जो है ज्यादा प्लैनेट्स होने से, जैसे यहाँ पे सन हो तो हम कहते हैं किसी देवी की पूजा आपको करनी चाहिए, तो फेमिनाइन राशि है। यहाँ पे ज्यादा व्यक्ति गुस्से वाला अग्रेसिव नहीं होगा, जैसे एरीज में था। एरीज में कैसे था, गुस्से वाला था, स्टबर्न था, करेजियस था। यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन होगा, प्यार से आराम से बात करते हैं, इतना लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक फेमिनाइन साइन, एक सेंसिटिविटी आती है यहाँ, एक ब्यूटिफिकेशन आता है सुंदरता के प्रति, एक फाइन आर्ट्स की क्वालिटी का निहार करना। कितना अच्छा गाना गा रहा है ये व्यक्ति, कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा सुंदर राइटिंग है, तो एक आर्ट को कर सके कि तारीफ कर सके, उसको रिकॉग्नाइज कर सके। वो टॉर्स, वो फेमिनाइन एनर्जी, मेल एनर्जी नहीं रिकॉग्नाइज करती आर्ट, उसको बोलता काम करो काम करो। फेमिनाइन एनर्जी जरूरी है क्रिएटिविटी के लिए, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं या कोई क्रिएटिव आर्ट्स में है, कोई क्रिएटिव काम करता है तो उसके लिए फेमिनाइन चीजें बहुत जरूरी है। सेक्स क्या है, फीमेल, सिंबल क्या है, बुल, ये आप देख सकते हैं, बुल जो है वो इसका सिंबल है। बुल सिग्निफाइज रिसोर्सेस। पुराने जमाने में पैसा तो रिसोर्स नहीं था, पुराने जमाने में क्या रिसोर्स था, कितने खेत है आपके पास, कितने बैल है, उसको रिसोर्स। बैल क्या है, पुराने जमाने में बुलक कार्ट्स चलते थे, तो बैल क्या है, हल जोतने के भी काम आता था, तो बैल जो है वो राउंड 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 घूमता रहता था खेत में, और वो बैल हल हल के साथ चलता था। तो आपने कहा ये जो है कि हमेशा वर्क को सिग्निफाई करता है। टॉरस राशि में खास तौर पे अगर सैटर्न हो, जुपिटर हो, तो ऐसे व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता, क्योंकि हमेशा बैल जो है काम करता रहता है। तो आपने कहा हमेशा ही ऐसे लोगों को काम करना पड़ेगा, हमेशा कुछ ना कुछ काम में इन्वॉल्व रहे, खाली नहीं बैठ सकते। अगर टॉरस में लिखा हो कोई भी प्लैनेट, स्पेशली सैटर्न या जुपिटर जैसा प्लैनेट, उसके अलावा ये साइन ऑफ रिसोर्सेज, हमने कहा नंदी जो है, नंदी एक बैल है, तो नंदी भी टॉरस से देखे जाते। और नंदी के ऊपर क्या है, एक हम्प बना हुआ होता है, जैसे ये मुंह है इसके पीछे यहाँ पे एक हम्प बना होता है। नंदी की आप तस्वीर देखें तो स्पेशली यहाँ पे हम्प बना होता है, उस हम्प में हम कहते हैं शिव जी को वरदान प्राप्त है कि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हिडन है, खजाना है। आपने कहा इसीलिए टॉरस राशि जो है रिसोर्सेस को सिग्निफाई करता है, वेल्थ को सिग्निफाई करता है। तो आपने कहा जिस जगह पे टॉरस पड़ेगी उस जगह से आप रिसोर्सेस अटेन कर सकते हो। जैसे अगर टॉरस पड़ रही है 3 नंबर राशि, 3 थर्ड हाउस, तो आप अपने कम्युनिकेशन से रिसोर्स निकाल सकते हो। आप हो सकता है टीचिंग प्रोफेशन में हो, कि आपका जो मेन जरिया है पैसे कमाने का वो कम्युनिकेशन, वो ट्रैवल है, 3rd हाउस की चीज है। आपने कहा यही टॉरस पड़ी हुई हो 7 नंबर राशि, ये 7th हाउस में, 7 नंबर राशि 7th हाउस में पड़ी हुई हो टॉरस, तो आपने कहा बिजनेस से रुपए कमा सकते। ये पड़ा हो एरीज में, लग्न में, आज क्या हो रहा है, ये टॉरस जो है लग्न में हो, क्योंकि हम बीएनएल में लग्न मानते नहीं ना, इसलिए। तो आपने कहा टॉरस अगर लग्न में हो तो यहाँ पर आप खुद से, सेल्फ से, हो सकता है किसी का जिम हो, बॉडी से रुपए कमा सकते, ठीक है। तो आपने कहा टॉरस जिस राशि, जिस हाउस में होगा वहां से आप रिसोर्स अटेन कर सकते हो। या टॉरस में जो प्लैनेट लिखा हुआ है वो रिसोर्सेस को सिग्निफाई करेगा, जैसे टॉरस में सैटर्न बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप अपने कर्म से ही, सैटर्न आपका कर्म है ना, आप अपने कर्म से ही रुपए कमाएंगे। टॉरस में जुपिटर लिखा हो, आपके पैदा होते ही घर में पैसा आएगा। टॉरस में वीनस लिखा हो, वाइफ के आने के बाद पैसा आएगा। तो जो चीज टॉरस में लिखी होती है वो आपके रिसोर्सेज का कारण बनती है, वो आपके पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है, बेनिफिट देगा वो आप। रूलिंग प्लैनेट क्या है, वीनस। वीनस ऑल्सो सिग्निफाइज रिसोर्सेज। हम तो कहते हैं जितनी भी चीजें आपके पास, घर है, पैसा है, गाड़ी है, हर चीज वीनस, तो वीनस आपके रिसोर्सेज, प्राइड है। हम कई लोग फैमिली के लिए बहुत प्राउड महसूस करते हैं, मेरी ये फैमिली है, इतने अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, जो भी चीज जिसके प्रति आपको प्राइड है, जिस पे आपको गर्व है, वो वीनस। टॉरस। गुना क्या है, रजस, क्योंकि वेल्थ की राशि है, 2, 6, 10, ये तीनों राशियां, ये अर्थ त्रिकोण है, वेल्थ को सिग्निफाई करती है। तो आपने कहा टॉरस जो है ये भी वेल्थ की राशि, वेल्थ जो है वो एक राजसिक कैरेक्टर, कुछ पाना चाहते हैं यहाँ पे, पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, घर चाहिए। तो आपने कहा ये सब चीजें जो है ये राजसिक है, एक्शन है, राजसिक मीन्स वहां पे एक्शन इन्वॉल्व है, कुछ काम किया जा रहा है कुछ पाने के लिए। एलिमेंट क्या है, अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, और बैल इसका सिंबल है, इसलिए खेत को, एग्रीकल्चर को सिग्निफाई करती है। यहाँ पे ठहराव होता है, यहाँ पे जो है ठहराव होता है। ठहराव का मतलब है कि कोई भी प्लैनेट जो टॉरस में होगा इतना खराब नहीं, यहाँ पे हमने कहा वो ठहर जाए, जैसे वीनस ही हो टॉरस में, तो क्योंकि एक अर्थ एलिमेंट की राशि है, पैसा रुकता है ऐसे व्यक्ति के पास। कई लोग बोलते हैं ना पैसा आया खर्चों के, तो टॉरस में वीनस जो है वो पैसे को किसी भी इन तीनों राशियों में से सेविंग्स करता है पैसे की, क्योंकि वहां पे ठहराव है, अर्थ एलिमेंट की राशि। डायरेक्शन क्या होती है, साउथ। तो आपने कहा 2, 6, 10, तीनों ही राशियों की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ।
सन राइज इज इन द ईस्ट, ईस्ट के बाद कहाँ जाता है? साउथ। नेचर क्या है? फिक्स्ड राशि। टॉरस जो है वो एक फिक्स्ड राशि, किसी का लग्न टॉरस हो उसको मार्केट ले जाओ वो वहां पे बहुत देर रुक सकता है। एरीज लग्न हो किसी का वो मूवेबल राशि है, वो टिक नहीं सकता, वो भी बात करेगा तो भी चलता रहेगा, एक जगह टिकना मुश्किल है। अगर मूवेबल राशि आ रही किसी के लग्न में 1, 4, 7, 10 इनमें से कोई राशि आती है तो ये मूवेबल राशि। फिक्स राशि कौन कौन सी होती है? 2, 5, 8, 11 अगर ये आती है लग्न में, जुपिटर इनमें लिखा हुआ है, तो इंसान बहुत रिजिड होगा, फिक्स होगा, ठहराव है उसमें, बैठ सकता है शांति से एक जगह पे बहुत देर तक, पर रिजिडिटी भी आती है, बदलना नहीं चाहता, जो मैंने कहा वही होना चाहिए, रिजिड है, चेंजेबल नहीं। तो टॉरस राशि क्योंकि एक फिक्स राशि क्यों है? क्योंकि आपने कहा आपकी फैमिली को भी सिग्निफाई करती है, फैमिली कुटुंब, जो फैमिली हमको मिल गई फिक्स है ना, वो हमारी चॉइस थोड़ी थी, वो बदल थोड़ी सकते हैं, फिक्स रहेगी, इसीलिए जो है टॉरस जो है फिक्स राशि। और क्या सिग्निफाई करती है टॉरस? अक्यूमुलेशन को, करेंसी बैंक को सिग्निफाई करती है, करेंसी नोट्स को सिग्निफाई करती है, कोई भी प्लैनेट टॉरस में वो आपकी करेंसी नोट्स का कारण हो सकता है, कि वीनस है तो वाइफ के आने के बाद, बेटी के आने के बाद पैसा आएगा। कई बार तो आप देखेंगे कि सैटर्न अगर टॉरस में तो ऐसे व्यक्ति जो है बैंक में ही काम करते हैं, किसी का सन टॉरस में तो उनके पिताजी बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, तो उसको सिग्निफाई करती है, वीनस पैसा है, टॉरस उसकी राशि। क्रिप्टो को, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है ना, क्रिप्टो है, शेयर स्टॉक्स है, तो आपने कहा वो टॉरस। फैमिली को सिग्निफाई करती है नेचुरल सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस फैमिली का होता है, तो फैमिली लीनिएज को सिग्निफाई करती है कि आपको पूर्वजों से क्या मिल रहा, कल्चर मिल रहा है, तो फैमिली क्या होती है? संस्कार, कल्चर, स्पीच, आप कैसे बोलेंगे, वो टॉरस बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर टॉरस में कोई स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं जैसे कि जुपिटर है, सैटर्न है, तो बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। अब मान लो टॉरस में मून लिखा है, बहुत तेज बोलेंगे, धड़ाधड़ बोलेंगे, आपको आधी बात तो समझ नहीं आएगी क्या बोल गया। टॉरस में मर्क्यूरी लिखा है, बहुत तेज बोलेंगे, वीनस भी लिखा है तो भी तेज बोलेंगे, तो अगर जो फास्ट मूविंग प्लैनेट टॉरस में होंगे तो व्यक्ति तेज तेज बोलेंगे, अगर हार्श प्लैनेट है, मार्स है, केतु है, तो चिड़चिड़ी आवाज हो, गुस्सा करेंगे, पैनी तीखी आवाज हो, तो टॉरस आपकी स्पीच को इफेक्ट करता है कि आप कैसे बात करें। टॉरस में मून जाकर के एग्जॉल्टेड हो जाता है, मून बिकम्स एग्जॉल्टेड इन टॉरस, क्यों? क्योंकि मून खाना है और टॉरस आपका फेस, टॉरस आपका माउथ, तो खाना मुंह में से गया, मुंह में जाएगा, पूरा डाइजेशन के प्रोसेस से जाएगा, और वो स्कॉर्पियो में जाकर के डेब्लिटेटेड हो जाता है। स्कॉर्पियो मतलब एनस, निकल गया खाना, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हो गया। तो आपने कहा टॉरस में से खाना जा रहा है, इसलिए यहाँ पे मून एग्जॉल्टेड है, मून खाना है, और स्कॉर्पियो से निकल जाता है, वेस्ट का एलिमिनेशन हो जाता है, इसीलिए वहां मून डेब्लिटेशन, यहाँ से मून जा रहा है, वहां से निकल जाता है, मून मतलब खाना, पानी। तो आपने कहा इसीलिए टॉरस में मून जो है वो एग्जॉल्टेड होता है। फूड खाने को सिग्निफाई करती है, फेम को सिग्निफाई करती है, फैमिली वेल्थ कि आपके, क्योंकि आपका परिवार है और वेल्थ का सिंबल है, तो आपके परिवार में कितना पैसा है, कितना अच्छा वेल ऑफ आपका फैमिली है, पैसे से, संस्कार से, मॉरल वैल्यू से, हर तरह से, लीनियज, वही फैमिली कल्चर आ गया, ट्रेडिशंस आ गए, अर्निंग्स, सेविंग्स, लग्जरीज, वीनस जो है वो लग्जरी है। लग्जरी क्या होता है? कोई भी चीज जिसको हम अभी अनअटेनेबल मानते हैं वो लग्जरी है। मान लो कोई, आपने कहा कि 20,000 की घड़ी, 20,000 की क्लॉक वॉच अभी मैं नहीं ले सकता, मैं 4 महीने सेविंग करूंगा फिर लूँ, तो आपने कहा वो आपके लिए लग्जरी है ना। कोई आपने देखा लाख रुपए की कोई चीज, मान लो लाख रुपए का सोफा है, आपने कहा अभी तो मैं नहीं ले सकता, मैं 4-5 महीने सेविंग करूंगा फिर लूँ, तो जो चीजें अभी आपके लिए अनअटेनेबल है पर आप उसको ले पाएंगे बाद में, वो आपके लिए लग्जरी कंसिडर की जाए, अभी नहीं ले सकते पर ले सकते हैं बाद। जिस आपने कोई हीरो हीरोइन देखा, आपको लगा काश ये कितना सुंदर लड़का है, ये मेरा बॉयफ्रेंड हो, लड़की कितनी सुंदर है, ये मेरी गर्लफ्रेंड हो, वो चीजें जो अनअटेनेबल है, अभी नहीं मिल रही, वो सब लग्जरी है हमारे, वो सब वीनस है, जिस चीज की हम डिजायर कर सकते हैं, ब्यूटी, सिक्योरिटी, वैल्यूज, टॉरस राशि, स्टोरेज, बैंकिंग, जेम स्टोन, क्योंकि ज्वेलरी पूरी की पूरी इसके अंदर आ जाती है, आर्ट्स, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स की जितनी भी चीजें हैं, कोई व्यक्ति अच्छा गाना गाता है, सिंगर है, ड्राइंग करता है, कोई भी कला है उस, वो वीनस से टॉरस से देखा जाता है। लिविंग विद पर्पस, वीनस टॉरस आपको एक पर्पस देता है, आपने कहा ये आपकी बॉडी है और ये बॉडी का सस्टेनेंस, पर्पस क्या है जिंदगी का? खुश होना। वीनस इज द कारक ऑफ हैप्पीनेस, हम पैसा क्यों कमाते हैं, काम क्यों करते हैं,
खुश होने के लिए अल्टीमेटली हमको यही है ना कि हम पैसे से खर्च करके कोई चीज ले लेंगे, कोई चीज प्राप्त करेंगे, फिर उससे हमको खुशी मिलेगी। हम क्यों ही काम करते हैं कुछ खुश होने के लिए? तो आपने कहा अल्टीमेटली हम क्या है, खुश होना। तो आपने कहा क्योंकि टॉरस राशि जो है वो पर्पस ऑफ लाइफ क्यों है, क्योंकि वीनस की राशि है, वीनस इज हैप्पीनेस। खुश होने के लिए तो कोई भी काम करते हैं, अगर हमको खुशी ना मिले तो क्यों करेगा कोई काम। लस्टफुल, लस्ट यहाँ पर जो है इंसानों के लिए हो सकती है, चीजों के लिए हो सकती है। आपने देखा कि आपका जो फेवरेट सुपरस्टार है उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, तो आपको उसके लिए लस्ट होगी उस गाड़ी के कि कितनी अच्छी गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं, मेरे को कैसे मिलेगी ये गाड़ी। लस्ट मतलब डिजायर, जो चीजें अनअटेनेबल है उसको देख करके मन में से ये आना कि काश मेरे पास ये चीज होती, और बुरी तरह से आना, उसको लस्ट कहते हैं। तो वो टॉरस राशि से वीनस से आता है, क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण की राशियां हैं, तो आपको पैसे देती है और वहां से डिजायर भी उत्पन्न होती है, क्योंकि इसके अगले वाला त्रिकोण जो है वो काल त्रिकोण होगा, डिजायर होगा, तो पैसे होंगे तभी तो डिजायर आए। द ब्राइट वन, वीनस को आसमान में देखें जो सबसे चमकता हुआ तारा है, हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, जो सबसे चमकता हुआ तारा है वो वीनस। आपने कहा कि टॉरस जो है वो आपका फेस भी है, आपकी क्या होती है फेस वैल्यू होती है, कोई आपको जानता है तो अपने फेस की वजह से तो जानता है कि अगर मैं अपना वो ही ना दिखाऊं किसी को, ऐसे काली वीडियो बना दूं इस खाली स्लाइड के साथ, तो मेरी फेस वैल्यू तो कुछ भी नहीं, लोग मेरे को जानेंगे नहीं मैं कौन हूं। तो आपने कहा आपकी फेस वैल्यू होती है, क्योंकि फेस आपका वीनस है, लोग आपको आपकी बॉडी पार्ट्स की वजह से नहीं जानते कि आपका हाथ कैसा है, आपका पैर कैसा है, मुंह की वजह से ही जानते हैं ना। तो आपने कहा आपका फेस वीनस है, और वीनस जो है बहुत ब्राइट था, तो आपकी फेस वैल्यू है, इसी वजह से वीनस जो है वो ब्राइट वन है। वीनस रिकॉग्निशन है, स्पीच पैटर्न, वही जैसे मार्स टॉरस में लिखाओ तो बहुत तीखा पैना बोलेंगे, केतु लिखाओ तो भी पैना बोलेंगे, ठीक है, मर्क्यूरी लिखाओ बहुत तेज तेज बोलेंगे, मून लिखाओ बहुत ही तेज बोलेंगे। व्हाइट कलर का होता है इसका, जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, टॉरस को मून एग्जॉल्टेशन, वीनस भी व्हाइट रंग का ही होता है इसी। तो आपने कहा दिस वॉज अबाउट टॉरस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और लस्टफुल इसलिए भी होता है कि जो बैल है बेसिकली बैल की संख्या कम होती है, बेसिक एम बैल का यह है कि वो गायों को रिप्रोड्यूस कराने में हेल्प करे, ताकि और काउ पॉपुलेशन और फिर वुमेन हो पाए, तो यहाँ पे इसीलिए लेस्टफुलनेस भी देखेगा। तो जो सिंबल है बैल, उससे आप काफी चीजें रिलेट कर सकते हैं, ठहराव होता है बैल के अंदर, शांत जानवर होता है, उसको गुस्सा आएगा जरूर एक अलग बात है, पर वैसे गाय बैल शांत जानवर। तो आपने कहा दिस वॉज ऑल अबाउट टॉरस, मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।